जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ है फिजिकल वायलेंस। एक द फर्स्ट टाइम आपने देखा था तो व्हाट वाज योर रिएक्शन? यही मुझे भी फील हुआ कि बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए था, बट अब हुआ है तो उसके ऊपर जो एक्शन लेना चाहिए था वो भी नहीं लिया, तो मतलब बिल्कुल ही अनफेयर है ना, क्या बोले। फिजिकल वायलेंस लाइक लॉट टाइप ऑफ फिजिकल वायलेंस हमने पहले भी देखा था जब स्वामी वाले सिद्धा जहाँ पे उन्होंने कुछ लिक्विड फेंका था उनके ऊपर, तब उनको भी घर से बेघर कर दिया था। इट वॉज टाइप ऑफ यूरिन, मैं आपको क्लियरली बताऊँ तो उनको घर से बेघर कर दिया था इस चीज़ के लिए, बट यहाँ पे तो प्रॉपरली फिजिकल वायलेंस हुआ, फिर भी उसको एक स्पेशल केस बताना, डू यू थिंक इट्स बायस्ड? 100% ऑब्वियसली, मतलब ये तो लग ही रहा है, और आई डोंट थिंक कि खाली मुझे लग रहा है, पूरी जनता सबको ये चीज़ लग रही है कि बायस्ड है, नहीं होना चाहिए था, और अगर तब नहीं निकाला तो अब निकाल दो, अभी निकाल दो, इसी समय निकाल दो उसको, क्योंकि दिक्कत ये है कि वो उस गलत मतलब वो गलत इंसान के साथ वो घर शेयर कर रहा है, एक तो गलत हुआ, उसके ऊपर से वो जो है उसके सामने घूम रहा है, सब कर रहा है, मतलब खाली जो है उसको हमेशा के लिए नॉमिनेट कर देना, ये डिसीजन अब लिया गया है ठीक है, पर अब निकाल दूँ। कई बार हमने बहुत घर में देखा है जहाँ पे अगर कोई नहीं फीमेल की है और करीबी को जाता है तो उसको एक उसको डिफेंड किया जाता है, उसको बोल के कि ये गलत है, बट एक बॉय एक लड़के के कैरेक्टर को पूरा असैसिन किया जा रहा है, मतलब पूरा उछाला जा रहा है, बट स्टिल उसको एक स्पेशल केस बनाना, लाइक कितना गलत लगता है। यही तो फिर यही बात है ना कि ये चीज़ जब लड़कियों के साथ होती है तो रिएक्शन अलग होता है, लड़कों के साथ होती है तो रिएक्शन अलग होता है, और इसमें मैं किसी को ब्लेम क्या करूँ, हमारी सोसाइटी ही ऐसी, मतलब जब लड़कों के साथ कुछ गलत होता है तो लोगों को गलत लगता ही नहीं, जब लड़कियों के साथ ही गलत होता है तभी गलत लगता है, जो कि बहुत ही खराब थिंकिंग है, ऐसा नहीं है, किसी के साथ भी गलत हो सकता है, बहुत ही गलत तरीके से उसको टारगेट किया जा रहा है, चीज़ें इंटरप्रिटेट की जा रही हैं ज़बरदस्ती की, तो नहीं करना चाहिए। अरमान जो विशाल कैरेक्टर को हैंडल कर रहे हैं, मतलब वो खुद दो शादी करके बैठे हैं, उनको टेलीविजन टेलीविजन पे लेके आ रहा, उसको जस्टिफाई करना है, इट्स नॉर्मल, एक्चुअली इट्स नॉट नॉर्मल, उसको जस्टिफाई करने के बाद भी ये सब सर उसके कैरेक्टर पे आने के, तुम्हारे तुम जैसे रहते हो, तुम्हारे दोस्त है, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे अराउंड सेफ नहीं रहते होंगे, तुम ऐसे हो ये हो, इतना बोलना मतलब खुद को देखे बिना इंसान को क्या कैसा लगता है? देखो मैं बिग बॉस को जज नहीं करूँगी कि वो उनको लेकर आए, हो सकता है वो एक एग्जाम्पल सेट कर दे लोगों के लिए कि यार देखो जैसे इन लोगों के साथ हुआ वैसा तुम्हारे साथ भी होगा अगर तुमने दो दो बीवियाँ रखी हैं, क्या पता उनके मन में क्या है, गॉड नोज कि वो क्या सोच के उनको लाए हैं, हो सकता है ऐसा हो जाए, क्या पता बाहर निकल के कुछ कुछ का कुछ ही हो जाए, तो गॉड नोज अगर वो लाए हैं तो कुछ सोच के लाए होंगे, बट डिज़र्व नहीं करते हैं वो वहाँ बिग बॉस में होना, जिस टाइप का वो लोगों के ऊपर कॉन्टेंट बोलते रहते हैं, खुद जैसे कॉन्टेंट बनाते हैं और जैसे वो है और जो भी कुछ उन्होंने किया है, जैसे आपने बताया दो दो वाइफ्स, तो डिज़र्व तो नहीं करते हैं वो बिग बॉस में होना, ये इंसिडेंट के पहले भी मुझे लगता है कि वो डिजर्व नहीं करते थे, बट अब तो और लगता है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके अभी के अभी उनको घर से बाहर निकाल देना चाहिए। नॉट ओनली टू वर्जन द रेप के भी केस है, देखो कि मेरे ऊपर रेप का केस है, उसके बाद जो लेसर हरकतें करना, एंड सबसे मेन जिसमें फाइल की गलती, क्योंकि उन्होंने चीज सुनी नहीं, वहां एंड में बोला गया था ये चीज के अच्छे वे में, बट उन्होंने नहीं सुना, आपके बात को मैनिपुलेट करना, फाइल की बहुत सारी गलतियां हैं ठीक है, अभी वैसे आई एम नॉट देयर टू जज एनी वन ऑन देयर पर्सनल लाइफ, बट हम जब लड़की किसी को या तो डेट कर रही हो या उसका पति हो, तो जैसे माँ को पता होता है ना मेरा बच्चा कितना पानी में है, वैसे लड़की को भी पता होता है कि मेरा बंदा कितना पानी में है, ठीक है उनको पता होता है ठीक है, तो उसको उसी समय रोक लेना चाहिए था जब हुआ चीज़ों को, तब भी आप गलत थे, आज आपने इंफॉर्मेशन गलत करी तब भी आप गलत थे ठीक है, अब गलती की है तो आप उसकी सजा भुगत रहे हो, लोग देख रहे हैं उसको, आपको जो भी है क्रिटिसिज्म दे रहे हैं, तो अब रोक के तो कोई फ़ायदा नहीं है, मैं ये सजेशन दूंगी उनको कि गलती हो गई है अगर तो उसको डैमेज हो गया है तो डैमेज रिपेयर करो, वापस से जाओ और जो इन्फॉर्मेशन है उसको करेक्ट करो, या फिर हम में से किसी को भेजो कि जाके जो है करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी जाए घर वालों को, और विशाल को एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकाला जा सके। अंकल आंटी का मैं कितना भी संभाल लूँ, जब तक वो अपने बेटे को देखेंगे नहीं ना तब तक उनकी सांस में सांस नहीं आएगी, ये बात तो है, क्योंकि अगर अपने लड़के को मतलब नाजों से पाला है उन्होंने, टच भी नहीं किया आज तक किसी ने उसको,
हम खड़े रहते थे हमेशा आगे, हम सब, उसके दोस्त, फैमिली। उसके बाद इतना सब कुछ हो जाना, ऑफकोर्स पेरेंट्स को तो बुरा लगना ही है, लाजिब है, बहुत ख़राब हालत है। आंटी ने इतने टाइम से, काफ़ी टाइम तक खाना भी नहीं खाया, पर थैंकफुली वो लाइव में अब देख रहे हैं तो वो थोड़े से बेटर हैं हम, ठीक है। बट हमें इसका कुछ करना पड़ेगा, ये तो बहुत गलत है कि इतना सब गलत होने के बाद भी वो शो में घूम रहा है उसके साथ में, ऐसा होना नहीं चाहिए। आप तो उनके बहुत टाइम से दोस्त रह चुके हैं, मतलब आपकी एक कितनी पुरानी दोस्ती है आपकी। अगर नई दोस्ती की बात करूं, उनके जो कटारिया के साथ उनके, उन्होंने भी, मैं कहीं ना कहीं ये सोचता हूं कि उनका झगड़ा कटारिया की वजह से कहीं ना कहीं वो वर्णा हो, क्योंकि अगर कटारिया उसे तो क्लैरिफाई करते ये चीज बोल के दैट उन्होंने सब सही बोला था, उन्होंने भी उसी से पीछे पैरेट पीछे हटा लिया कि नहीं ये सही था। तो क्या आपको लगता है कि इसमें कटारिया की गलती है, एटलीस्ट मतलब है उसकी वजह से हुआ है? मुझे, मैं इस चीज के ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने अपनी सोच से, उनको जो समझ में आया उसके हिसाब से उन्होंने रिप्लाई किया, ठीक है। अरमान ने भी जब उनसे पूछा कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड या वाइफ को ऐसा कोई बोलता तो तुम क्या करते, तुम रैपटाई मारते, अब उनका क्वेश्चन ही गलत था। उन्होंने ये पूछा कि तुम्हारी वाइफ के साथ कोई ऐसा करता, कोई ऐसा करता क्या, मतलब क्या तुम बोल रहे हो, ये बोलना चाह रहे हो कि छेड़ता, उसको सेंटेंस को तुम क्लियर करो ना, क्या बोलना चाह रहे हो। अगर तुम्हारी वाइफ को कोई ये बोलता कि यार तेरी वाइफ बड़ी सुंदर है, तो तुम उसको रैपटे थोड़ी मारते, यार ये क्या बात हुई, तुम ये बोलते ना हाँ भाई बीवी किसकी है, ये रिप्लाई कर देना, तुम तो प्राउड होगे ना कि कोई मेरी बीवी की तारीफ कर रहा है, रैपटे थोड़ी मारोगे। तो क्वेश्चन ही उनसे गलत किया गया है, तो आई विल नॉट जज हिम ऑन दैट, बिकॉज सही क्वेश्चन एक सही जवाब देता है, गलत क्वेश्चन एक गलत ही जवाब देगा। तो सब कुछ उल्टा पुल्टा है अंदर। मैं ये चाहती हूँ कि भाई मेरे दोस्त का जो है वो जो है वो स्ट्रेस कम हो, और किसी भी तरीके से अगर कंटेस्टेंट्स तक जो है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन जाए तो मेरी तरफ से फिर सही होगा। कहते हैं कि ऐसा लगता है कि अरमान इज जेलस विद द बिट ऑफ विशाल, क्योंकि उनको ज्यादा प्यार मिल रहा है, इसी वजह से उन्होंने, अभी तक तो उसे पता ही नहीं है कि उसे कितना प्यार मिल रहा है, और बाहर आएगा तो उसे पता चलेगा कि उसे बैश कितना कर रहे हैं लोग। वो ये बोल रहा है अंदर कि तुम बाहर, इसका जवाब बाहर दिया जाएगा, तुम पहले बाहर आओ, तो तुम बाहर आओगे तो पता चलेगा कि तुम बच भी पाओगे या नहीं, क्योंकि हमें तो मेरे को नहीं लगता कि हमें कुछ टच भी करने की उसको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि लोग ही उसके ऊपर टूट पड़ेंगे। और मुझे लगता है कि खाली ये विशाल के उसके ऊपर नहीं, उन्होंने जो कुछ भी किया है ना, जो भी दुनिया भर का उन्होंने गंद फैलाया है बिग बॉस में, ऑडियंस उनको खुद ही जज करके, खुद ही जो उनके साथ करना है वो कर लेगी। एट लास्ट अगर आपको मौका मिले तो कन्फर्म अरमान मलिक बिग बॉस में जाके, तो व्हाट वुड यू से, क्या कहना चाहोगे, कैसे कन्फर्म करोगे? मेरे को उस इंसान से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर मुझे बुलाया गया मैं ज़रूर जाऊंगी, और मैं सारी जो 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 करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो दूंगी, और मैं पहले तो अरमान को बताऊंगी कि ये नहीं था, ये था, ठीक है, ये बोला गया था, और उसके बाद मैं अब उनसे पूछूंगी ये है भाई करेक्ट इन्फॉर्मेशन, अब बता तू क्या करेगा, मैं जानना चाहती हूँ। और अगर उसके बाद भी वो सेम बोलेगा, मैं फिर भी सेम करता, तो फिर वो इंसान ही पागल है, वो तो है ही, खैर वो तो पता ही है मुझे कि वो है ही वैसे, पर एटलीस्ट मैं बोलती उनको कि पूरी इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट मैं उनको देती कि ये हुआ था, कि तुमने ये हुआ और तुमने ये रिएक्ट किया, अब बताओ कि तुम्हारा एक्शन कहाँ से जस्टिफाइड है। मैं ये बोलूँगी थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं देख पा रहा है कि बाहर क्या चल रहा है, इतना सपोर्ट कर रहे हैं उसे लोग, प्यार दे रहे, बट हम जितना बेस्ट कर सके हम वही करेंगे, हम सब उसी में लगे कि हम अपना जितना बेस्ट कर सके। और किसी तरीके से मेरी रिक्वेस्ट है सब लोग ये कुछ अगर कर सके इस चीज़ के ऊपर कि उसको जो इन्फॉर्मेशन है ये जाए बिग बॉस के अंदर, उसका मेंटल स्ट्रेस जो है वो थोड़ा कम हो, ताकि जो कंटेस्टेंट्स हैं वो उसके साथ सही से रहे, बस मैं ये चाहती हूँ। अब जीतना हारना तो आगे की बात है, बट जिनके साथ वो रह रहा है अगर वो उसके लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन ना क्रिएट करके अच्छे से उसके साथ रहे, बस यही मैं चाहती हूँ, किसी तरीके से हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।